अस्सलाम वालेकुम, ये वही बच्चे हैं जो मैंने आपको दिखाए थे। और मेरे ये दो लक्का कबूतर, बिल्कुल बल्कि तीन लक्का कबूतर ठीक हो गए थे। अब ये बच्चे खुद निकल के खा रहे हैं। मेरा माशाल्लाह सेहतमंद है और बहुत खूबसूरत है। एक ये है, ये शैतान बंधे हुए हैं इससे ब्लॉक से, खाना खा रहे हैं। कुछ कबूतर इधर उधर उधर कुछ खा के अंदर चले गए, कुछ वहाँ घूम रहे हैं। अब ये सब जमा हो जाएंगे आके। ये काले बीज डाले, उनको निकालना पानी में से, गंदे पानी में नहा रहे हैं। ये हमारे साथ जाते हैं। ये बच्चे हैं, इनको भी नहीं पता मगर ये आ गए। तो ये हमारे जो बच्चे कबूतर बच गए हैं वो हैं, कुछ इधर उधर घुसे हुए हैं। आपने इकट्ठे अभी देखे, ये इतने बड़े बड़े हो गए हैं अभी तक खुद नहीं खाते। वो पानी पड़ा हुआ है तो उस पानी को समझ रहा है तालाब। अब ये मुख्तलिफ कबूतर हैं, इनका ब्राउन शेड का है, रेड रेड सा। इसका एक बच्चा निकला इसी नमूने का, बाकी एक ब्लैक सा निकला हुआ है। दो जोड़े बन जाएँ तो फिर ये इंशाल्लाह फिर हो जाएंगे जल्दी जल्दी, अंडे बच्चे करते हैं। इसने अंडे दिए हैं, लकवा माजी किसी ने हमें दी थी, तो अब एक बच्चा है अभी भी खुद नहीं खाते, इनके माँ बाप खिलाते हैं इनको। ये बाहर निकल आया है तो मैं इसको दिखा रही हूँ। मुझे मैंने दिखाए थे तो ये छोटे छोटे से थे, अब माशाल्लाह बड़े हो गए हैं। ये मेरा पिंजरा है, पानी का बर्तन, ये बैठा हुआ अंडों पे। पुराना नर है और जो मैंने लकवा मादी दिखाई थी उसके साथ इसने जोड़ा बना लिया है। ये मेरी वही लकवा मादी है, लेके जा रही है ऊपर नेस्टिंग कर रहे हैं। अब निकालने वाले हैं ये बच्चे थोड़े दिनों में इंशाल्लाह। इसकी आंखें बड़ी खूबसूरत हैं, बिल्कुल येलो सी हैं। और दो ये बच्चे बैठे हुए, एक ये रहा। मैं आपको बड़ा करके दिखा रही ताकि इनको ना कलर वलर समझ में आए।
इनको बैठा हुआ है। सेहतमंद माशाल्लाह बहुत है। और मैं इनको बीज डालती हूँ और ये बाजरा वाजरा डालती हूँ, उससे सेहत अच्छी हो जाती है। अब के तो इंशाल्लाह सर्दियाँ शुरू होंगी, जो ओस पड़ती है ना उसमें आती हैं बीमारियाँ। पहले मैं ढक के रखती थी, मैं खुद बीमार पड़ी थी तो राव साहब ढकते थे, पानी नहीं निकालते थे, उससे बीमारी बहुत तेज़ी से फैली। इनके आप देखें दो अंडे हैं, बहुत खूबसूरत नर है ये मेरा, ये इसकी मादर। सबको भगा रहा है, बच्चों को दोनों को। ये बच्चे अंडे बहुत ख़राब करते हैं, हद से ज़्यादा शरारती बच्चे होते हैं, अंडों पे जाके बैठ जाते हैं। वो एक माता बैठी अंडों पे। अब देखें ये कब निकलते हैं इसके बच्चे। एक ये बैठी है, बड़े खामोशी से बैठे रहती हैं ये, बाज का गिनने में नहीं आती, इतनी परेशानी होती है। वो छलांगे मारता फिर रहा है, वो लेके बैठ गई अंडे। मैं तो इसको नाकारा समझ रही थी, मैंने कहा लकवी है क्या करेगी बेचारी अंडे। वो इसने दूसरी दफ़ा अंडे दिए, पहली दफ़ा वो बच्चों ने फोड़ दिए थे। अभी सारे इधर जमा हो जाते हैं तखत वखत पे, जो दाना दुनका में देती हूँ ना वो, ये दूसरा नर है, ये भी एक है, ये बच्चा है दाने का। अब जितना पड़ा हुआ है दाना ये सब खा लेंगे, और बकरियों का चारा आएगा सारा काम हो गया मेरा। बकरियों का चारा आएगा तो दे के फिर इंशाल्लाह मुझे जाए नमाज उमाज पढ़ेंगे आज जुम्मे। देख रहे हैं अब ये मैं इनका नमक भी रख देती हूँ, नमक भी बहुत शौक से खाते हैं। और ये नमक गिरा हुआ है ना तो नमक चुन रहे हैं, और दाना भी गिरा हुआ है तखत पे। ये सारी बर्नियाँ रखी होती हैं दानों की, इनकी वजह से मैंने सारी बर्नियाँ बना दी हैं, जिनमें भीगा हुआ दाना होता है। और ये ग्रीन आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसका पाउडर है सहजना का, दफों का दाना है, मुर्गियों का दाना है, फीड वगैरह भी रखी है। ये इन शकानों से जैसे मुझे करना पड़ता है, वरना ये सारा फेंक देते हैं। आप देखो ना, मैं अगर बाहर जाऊंगी और सारे यहाँ आ जाएंगे, फिर हर चीज़ की तलाशी लेंगे। ताकत रखा ना मैंने तो इतना दाना ज़ाया नहीं होता। अब आस्ते आस्ते आना शुरू हो गए वो लोग। पहले मेरे जितने कबूतर थे अब उतने तो नहीं हैं। वो मैं वीडियो देखती हूँ ना, राणा साहब ने जो कबूतरों को दाना खिला रहे थे, मुझे बड़ा दुख होता है। जो थोड़े बीज डाल दिए तो यहाँ पे बीज खाने ही आते हैं ज़्यादातर, जिनको पता है पर बीज हैं वो फौरन आके इसमें लग जाएंगे। अभी इनको नहीं पता, ये नीचे झांक के देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। आह आह उसके अंदर झांक रहे हैं, शायद यहाँ कोई कार्रवाई हुई है। बाकी ये अपने मोजों में लगे हैं, सर पे ही आ जाते हैं ये लोग, इतने जज्बाती हो जाते हैं। सारे जमा होना शुरू हो गए, अब सारे तो इतने ही हैं बेचारे, कुछ अंदर मादी अंडों पर बैठी हुई हैं, कुछ ये हैं। बीज तो इतना फटाफट खाते हैं कि आपको नज़र ही नहीं आएगा कि कोई यहाँ पे बीज था। बीजों में प्रोटीन बहुत होती है, अंडे भी बड़े बड़े देते हैं माशाल्लाह से। बालों के तो हमारे कबूतर अंडे नहीं खा रहे, वो
बीज नहीं खाते हैं, मगर मेरे कबूतर बीज खाते हैं। सब बाहर चले गए। ओके, अल्लाह हाफिज़। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे कबूतरों की जो ये मैंने बनाई है, बताइएगा कैसे हैं। खूबसूरत कबूतर मेरे सेहतमंद चमकीले से, और सनोबर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। बहुत दुआओं के साथ।